हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ आई एम ओ लेबल टू प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज द आवर हैंड ऑफ अ ट्वेल्व आवर क्लॉक टर्न्स थ्रू वन एट्टी डिग्री इट मूव्स फ्रॉम डिजिट ए टू डिजिट बी जब ए से बी पर जाती है तो कितनी कितनी डिग्री मूव करती है वन एट्टी डिग्री मीन्स कि दोनों कहाँ होंगे अपोजिट साइड में लेट अगर ए यहाँ होगा तो बी कहाँ होगा यहाँ होगा ठीक है अब कंसिडरिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या लिख दिया कि जो बी की वैल्यू है वो ए का स्क्वायर है ठीक है नाउ अगर आप अपने ऑप्शंस में देखो तो यहाँ पर थ्री और नाइन है तो थ्री इंटू थ्री क्या होता है नाइन मीन्स की की वैल्यू यहाँ से क्लियर होगी कि बी की वैल्यू नाइन होगी और ए की वैल्यू थ्री होगी डन नाउ अब इन्होंने क्या लिखा देन वॉट टाइम विल क्लॉक शो इफ द आवर हैंड इज एट बी मीन्स कि आवर की हैंड बी पर है मीन्स कि ये नाइन होगा इसके जस्ट अपोजिट वन एटी डिग्री पर क्या होगा थ्री होगा ठीक है नाउ अब क्या बताना है देन वॉट टाइम विल क्लॉक शो इफ द आवर हैंड इज एट बी एंड द मिनट हैंड इज एट नाइन मीन्स कि अगर नाइन पर है आवर हैंड मीन्स कि नाइन होगा मिनट हैंड थ्री पर है मीन्स कि फिफ्टीन होगा क्योंकि आपका वन टू थ्री में फाइव फाइव मिनट का गैप होता है ना तो थ्री इंटू फाइव क्या होगा फिफ्टीन मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस

ठीक है पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही हूं ठीक है नाउ उसके बाद लिखा है वन बाई थर्ड टेक कंप्यूटर मीन्स की वन बाई थर्ड ऑफ एक्स मीन्स एक्स इंटू वन बाई थ्री टेक कंप्यूटर डन हो गया ठीक है नाउ अब इसमें क्या लिखा है एंड रेस्ट स्टूडेंट गो टू फिजिक्स ठीक है अब जो बैलेंस बचे एक्स का संस्कृत का माइनस करने के बाद और कंप्यूटर का माइनस करने के बाद वो गए फिजिकल एजुकेशन में और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे गिवन है सिक्सटीन ठीक है ना अब क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पे लिख दिया फिजिकल एजुकेशन के हो गए सिक्सटीन ठीक है नाउ क्वेश्चन में है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कंप्यूटर एंड संस्कृत तो हमें डिफरेंस बताना है कि संस्कृत और कंप्यूटर में कितने का डिफरेंस है तो पहले तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ठीक है तो हमारे पास जो जो क्वान्टिटीज़ हैं वो तो हैं ही अब इसके बेसिस पर हम काउंट करते हैं ठीक है अब फिजिकल एजुकेशन की जो वैल्यू है ठीक है वो सिक्सटीन है मीन्स की सिक्सटीन इज इक्वल टू एक्स माइनस संस्कृत स्टूडेंट्स मीन की टू एक्स बाई 3 नाउ इनका एलसीएम क्या आएगा ट्वेंटी वन ठीक है ट्वेंटी वन तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन एक्स माइनस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन होता है और थ्री इंटू टू क्या होता है सिक्स सिक्स एक्स माइनस थ्री की टेबल्स में अगर हम पढ़ते हैं तो थ्री सेवन से ट्वेंटी वन और सेवन से एक्स को मल्टीप्लाई किया तो सेवन एक्स ठीक है ना अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ट्वेंटी प्लस सिक्स क्या होगा थर्टीन और थर्टीन को अगर हम ट्वेंटी वन से माइनस करेंगे तो क्या आएगा एट मीन्स कि आफ्टर दिस हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी एट एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन ठीक है नाउ अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया इस इक्वेशन से कि 16 इज इक्वल टू 8x/21 ठीक है तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स अब हम एक्स कैसे निकालेंगे 8 से हमने 16 को डिवाइड किया तो 2 आया ठीक है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 21 2 इज इक्वल टू 42 है ना x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 42 में यहां लिख लेती हूं x 42 ठीक है नाव अब हम संस्कृत की फाइंड आउट करेंगे तो संस्कृत के लिए क्या है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी संस्कृत के केस में हो जाएगी एक्स है फोर्टी टू इंटू टू बाई सेवन सेवन से डिवाइड किया सिक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू टू क्या होगा ट्वेल्व ठीक है तो संस्कृत के हमारे स्टूडेंट्स कितने हो गए ट्वेल्व ठीक है नाव अब हमें चाहिए कंप्यूटर के कंप्यूटर के कितने हैं एक्स बाई थ्री मीन्स कंप्यूटर के लिए हो जाएंगे फोर्टी टू बाई थ्री ठीक है डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा फोर्टीन कंप्यूटर के कितने हो गए 14. Now, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था कंप्यूटर के हमारे हो गए नाउ अब इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड संस्कृत तो कंप्यूटर के हैं फोर्टीन संस्कृत के हैं ट्वेल्व तो डिफरेंस में बताना है कंप्यूटर के हमारे हैं फोर्टीन माइनस ट्वेल्व संस्कृत के वॉट इज द वैल्यू टू वॉट इज द राइट आंसर ऑप्शन बी टू ठीक द एवरेज ऑफ शिवेज एंड स्नेहाज एज इज फिफ्टीन ईयर्स ठीक है तो सबसे पहले तो एज के लिए हम क्या करते हैं लेट इसकी एज हो गई एक्स और स्नेहा की एज हो गई वाई ठीक है तो क्या लिखा है एवरेज ऑफ बोथ इज मींस की एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू फिफ्टीन ठीक है इफ स्नेहा इफ स्नेहाज स्नेहाज फाइव टाइम्स ओल्डर देन ठीक है फाइव टाइम्स ओल्डर है मीन्स की जो वाई है वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स एक्स का फाइव टाइम्स है ठीक है ठीक है अब क्या लिखा है वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीम एंड एच सी एफ ऑफ दियर एज इन द दर्स ठीक है तो हमें सबसे पहले तो इनकी एज पता होनी चाहिए ठीक है वाई की वैल्यू क्या होगी गई फाइव एक्स तो नाउ दिस फाइव एक्स को हम यहाँ पुट कर दें तो पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई

और स्नेहा की एज मीन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी तो क्या है अब इन्होंने पूछा है कि वॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलसीड एच सी एफ ऑफ द एज इन द ईयर मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे एल निकालेंगे पहले फाइव एंड ट्वेंटी फाइव काफ निकालेंगे देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है जब हमने एलसीएम एच सी एफ के क्वेश्चन किए थे तो हमने वहां पर क्या किया था फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट विथ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ मीन्स की किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उनके एलसीएम और एच सी एफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो हम सिंपल क्या करेंगे यहां पर एलसीएम इंटू एच सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ अर्नव इज फोर बाई थ्री इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज थ्री थाउजेंड मोर देन दैट ऑफ हिज सेविंग फाइन हिज एनुअल इनकम ठीक है एनुअल इनकम हमें फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट एक्सपेंडिचर को हम शो करते हैं बाई ई e, और सेविंग को शो करते हैं बाई एस अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली लिखा है ई बाई एस जो है दैट इज फोर बाई थ्री ठीक है एंड सेकेंड थिंग लिखा है कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है ई e है

उजेंड इज इक्वल टू ये वाला एस इधर जाएगा फोर एस ठीक है नाउ अब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री एस को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे माइनस एस इज इक्वल टू एस मीनस की सेविंग की वैल्यू हमें पता चल गई सेविंग कितनी है नाइन थाउजेंड तो एक्सपेंडिचर कितना होगा थ्री थाउजेंड मोर मीनस की 12000 डन हो गया हमें सेविंग पता चल गई एक्सपेंडिचर पता चल गई अब हमें चाहिए एनुअल इनकम मंथली इनकम क्या होगी मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है ना वो 12000 प्लस 9000 इज इक्वल टू 21000 ठीक है नाउ अब हमें चाहिए एनुअल इनकम एनुअल कि की कितने मंथ्स होते हैं ट्वेल्व एनुअल इनकम क्या हो जाएगी इन ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं जीरो जीरो हो जाएगा 25. तो ये हो गया एनुअल इनकम टू लैक्स टू थाउजेंड मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस